हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल लिव नी रीट एयर आउस एक्स व ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोज डार्कनेस तो कैसे सब लोग आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट करेक्ट सो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके जिंदगी में ऑब्वियसली आने वाले समय में क्या है ऑब्वियसली विद इन द नेक्स्ट टेन डेज वट इज गोइंग टू हैपन फॉर श्योर इन दस दिनों में क्या हो सकता है टेन इज द नंबर ऑफ न से दैट ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन ओके सो बहुत कुछ चीज बदल सकता है क्या क्या चीज बदल सकते हैं वो हम देखेंगे ताकि आपको पता चले कि ये रीडिंग कितना हद तक रेजेंट कर रहा है सो यूनिवर्स फेर गाइड्स प्लीज गाइड करे की मेरे जो व्यूवर्स है उनके जिंदगी में वर्तमान अवस्था किस प्रकार है यूनिवर्स फेर गाइड्स प्लीज गाइड करे के जीवन में वर्तमान अवस्था जो है वो किस प्रकार है ओके वी डू हैव द विल ऑफ फॉर्चून व्हाट इज योर प्रेजेंट सिचुएशन वी डू हैव द टेन ऑफ कॉइन्स वी डू हैव दट ऑफ स्पर्ड्स यहां पे है किंग ऑफ कॉइन्स वी डू हैव टेन ऑफ वेंट्स we we do do have have the the five of cups. We do have the two of cups. two wands. की एनर्जी बहुत ज्यादा लियो टॉरस एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो है एक्वेरियस जोनाई एंड लीब्रा है यहाँ पे वी डू हैव एरिज लियो एंड सर्जेरियस एनर्जी ठीक है कैंसर बाइश स्कॉर्पियो फाइव टेन एट यहाँ पे तीन बार है तो यहाँ पे ही बहुत हद तक इंडिकेशन इस तरह से एंजल्स हमें यही दे रहे हैं कि यही आपकी अवस्था है बहुत सारे लोगों के लिए तो यही है देखो आप बहुत ज्यादा किस्मत के भरोसे चल रहे हो कुछ लोगों के लिए आप हार्ड वर्क पुट कर रहे हो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल और बिल्कुल ऐसा आपको लग रहा है नहीं किस्मत में होगा तो ही मिलेगा ठीक है वन नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है यू आर पुटिंग योर कॉन्सिडरेबल ओके अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क यू आर वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज ठीक है आप इवन रिज्यूम भी भेज रहे हो एप्लीकेशंस भेज रहे हैं ठीक है कहीं ना कहीं पे आपको जस्ट कुछ लोगों के लिए आप इतना एक्सेसिव काम कर रहे हैं ठीक है एग्जॉशन हो रहा है आपको और आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो है उनको हार्डवर्क करना ही नहीं पड़ता एप्रिसिएशन ठीक है उनको ऐसे ही मिल जाता है किस्मत जो है उनका साथ बहुत ज़्यादा देता है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि फाइनेंशियली यू आर नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स बट ऑल द प्रॉब्लम्स कम्स ओके इन योर पर्सनल साइड कुछ लोगों के लिए यू आर एक्सट्रीमली ओके लाइक वेल पेड आपके हो सकता है फैमिली में बहुत अच्छा खासा बिजनेस भी है अच्छा चल भी रहा है मुनाफा भी हो रहा है आराम से जिंदगी जा रही है लेकिन कहीं ना कहीं पे अफसोस इस बात का है कि पर्सनल जो रिलेशनशिप है चाहे वो मैरिज लेके कुछ प्रॉब्लम्स हो चाहे वो डेफिनेटली बच्चे को लेकर हो चाहे वो अपने रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में हो आपको अपने पास्ट का जब याद आ रहा है तब आपको ऐसा लग रहा है कि आ, काश मैंने ये स्टेप ले लिया होता और उसके वजह से शायद आपने काफ़ी अपॉर्चुनिटीज भी खो दिया आज आपका सब कुछ पूरी तरह से हंड्रेड परसेंट कम्प्लीट हो जाता लेकिन उन्हीं के वजह से आपका नहीं हुआ आप किसी पर्टिकुलर इंसान को ब्लेम भी कर रहे हैं लेकिन मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप अपने तरफ से पूरी तरह से जो है ना कोलैबोरेट करना चाहते हैं एक्सपैंड करना चाहते हैं आप जो भी है आप जैसे भी आपके पास फाइनेंशियल स्थिति है उसको बढ़ाना चाहते हैं यू नो दैट मे बी इन द फ्यूचर द वैल्यूएशन ऑफ मनी लाइक विल गो डाउन ठीक है जो पहले जमाने में मिलता था पाँच दस रुपए में बहुत पहले वो क्या भी मिलता है कुछ नहीं होता है सो यू नो द वैल्यूएशन ऑफ मनी यू नो दैट इट विल गो डाउन मे बी देर विल रिसेशन मे बी देर विल बी मोर फाइनेंशियल क्राइसिस तो आप अपने एसेट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हो यू आर मच मोर फोकस्ड इन अर्निंग मनी ओके एंड आपको ऐसा लग रहा है कि एक स्टेबल जॉब मिल जाता है ना तो आराम से अपनी जिंदगी जो है बिता सकते हैं रिटायरमेंट प्लान्स भी अच्छे हो जाएंगे सेविंग्स भी हो जाएगा तो इसके बारे में हम सोच रहे हैं कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा जॉब भी करना पड़ रहा है फॉर मेनी ऑफ यू दैट यू आर नॉट यू फील दैट यू आर नॉट यू कैन से दैट यू शुड नॉट हैव बीन गिवन सच जॉब्स लाइक हो सकता है कि आप ओवर क्वालिफाइड है और आपको अंडर क्वालिफाइड जॉब्स आपको मिल रहे हैं जॉब करना नहीं चाहते लेकिन आपको करना ही पड़ेगा आपको ऐसा लगता है क्योंकि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा सो यू आर इन सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आपको मेनली पोजीशन चाहिए बहुत सारे लोगों के लिए क्या होता है उनको मनी फेम में अगर सिलेक्ट करने के लिए बोला जाए कुछ लोग बोलेंगे मनी कुछ लोग बोलेंगे फेम आपके लिए पहले फेम है उसके बाद है पैसा एंड आपको ऐसा लग रहा है कि चलो जो भी आता है हम उसको ले लेते हैं अपॉर्चुनिटीज जो भी आ रहे हैं बाद में पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा नाउ लेट मी सी दैट वट इज डेफिनेटली गोइंग टू कम विद इन द नेक्स्ट टेन डेज कुछ लोग बहुत पॉजिटिव भी है यहाँ पे मुझे बहुत फख्र है इस बात का कि आपको ऐसा लगता है कि किस्मत जो है वो आपका साथ तभी दे पाएगा जब आप उसी चीज़ में कंसिस्टेंटली एफर्ट्स देंगे एंड वन डे और द अदर यू विल डेफिनेटली रीच दैट पोजिशन ओके दैट द दाइट लाइक यून यू आर जस्ट यू कैन से एंजॉयिंग दैलीज ऑफ द माउंटेन लाइक अभी आप जो है सिर्फ खाई का जो एक गहराई है उसको आप इंजॉय कर रहे हो अभी पहाड़ के ऊपर तो अभी चढ़ना बाकी है और अब चलोगे भी तो लेट सी विद इन द नेक्स्ट टेन डेज वट इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन फॉर श्योर अगले दस दिन में ऐसा क्या बिल्कुल और बिल्कुल होने वाला है सो लेट सी लेट फाइंड आउट वी डू हैव लिसनिंग ओके वी डू हैव 17 नंबर द फोकस देखा hmm. ये मैंने आपको कहना चाह यही आया मेडिटेशन ओके वी डू हैव फॉरविडन ओके वी डू हैव होप वी डू हैव द वर्ल्ड कार्ड द ग्रोव सो यहाँ पे उस प्रकार मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है लाइक आप पहले क्या होता था ना लाइक यू नो डार्कनेस डज नॉट ऑलवेज इक्वे टू यूविल ओके एंड लाइट डज नॉट ऑलवेज ब्रिंग गुड ऐसा माना जा रहा है यहाँ पे कुछ शब्द बहुत ज्यादा है यहाँ पे उसकी मीनिंग भी बहुत ज्यादा डीप है उसको मैं आपको समझा देती हूँ डार्कनेस डज नॉट ऑलवेज इक्वेट टू इविल ऐसा जरूरी नहीं है कि जब भी हमारे जिंदगी में अंधेरा जो सिचुएशन है उसमें ऐसा नहीं है कि लोग हमारे ऊपर कुछ डार्क मैजिक किए हैं ठीक है कुछ काला जादू हुआ है हमारे ऊपर या कुछ लोगों ने ऐसा जिलेसी में किया है ज़रूरी नहीं है कभी कभी हमारे कर्म के वजह से भी होता है तो हम उसको बोलते थे चलो मेरे जीवन जो है वो अंधेरा हो चुका है उसके वजह से इसके वजह से वी स्टार्ट ब्लेमिंग अदर्स एंड जस्ट एक्यूज अदर्स तो जरूरी नहीं कि डार्कनेस ऑलवेज इज रिलेटेड टू ईविल एंड लाइट इज ऑलवेज रिलेटेड टू गुड इसका मतलब यही होता है कि रोशनी अगर आप देखते हो जरूरी नहीं कि वो रोशनी हमेशा अच्छा भी है कभी कभी ना जैसे माना जाता है कि जो बहुत सारे जो मतलब गलत रास्ता भी है वो भी कहीं ना कहीं पे आपके लिए टेम्पटेशन भी दे देते हैं कि चलो ये स्कीम बहुत अच्छा है वहाँ पे तो हमें बहुत ज़्यादा उज्जवल भविष्य दिख रहा है स्कीम में लेकिन हो सकता है वो स्कीम आपको लेके डूब भी जाए ठीक है आपको लेकर तो ऐसा माना जाता है दैट यू नो यू हैव टू नो द करेक्ट प्रोसेस सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट टेन डेज यू विल हैव लॉट ऑफ विस्टम विल पावर स्ट्रेंथ एंड स्माइल ऑन योर फेस दैट आई हैव ओके असम्बल्ड लॉट ऑफ नॉलेज मुझे बहुत कुछ जानने के लिए मिला जो गलत थियोरीज़ मैं इतना दिन से पढ़ती आई हूँ या पढ़ता आया हूँ वो शायद वो थियोरीज था ही नहीं और वो गलत हमने जाना अभी हम सही से जान रहे हैं सो so, बहुत सारी चीज़ जो अनएक्सप्लोर्ड थे ठीक है वो आप एक्सप्लोर करेंगे एंड डेफिनेटली विद इन द नेक्स्ट टेन डेज ओके देर विल बी अ गुड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड योर एल्डर्स आपके और आपके बड़े ठीक है छोटे जूनियर्स सीनियर्स वट एवर योर प्रोफेशनल एरियाज एज कंसर्न सो वहाँ पे आपकी एक स्किल uh, जो है कॉम्पिटेंसी लेवल लोगों को दिखेगा एंड आप अपना जो है फोकस बना के रखेंगे लक्ष्य में वही जो है ना अर्जुन जी जो थे राइट ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर एंड हीस टारगेट वॉज ओनली ओके ऑन द पर्टिकुलर ठीक है यू कैन से प्लेस और द पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट आप लक्ष्य जो है अगर आप करते हो जैसे ट्रिगर दबाने से नहीं होता है उसको फिक्स करना पड़ेगा आपको पहले ठीक है जो लोग सीखते हैं ठीक है सो so उसी तरह से आपको अपना जो है यू कैन से लाइक टूल्स इक्वमेंट जो भी है यू हैव टू मेक इट रेडी हो सकता है विद इन द नेक्स्ट टेन डेज आपको कुछ ऐसा करने का मौका भी मिले एंड यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम मे भी ना चाहते हुए भी आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा क्योंकि यू विल मीट डिफरेंट पीपल और बहुत सारे लोग अलग अलग कॉम्पिटेंसी लेवल के होंगे वो लोग आएंगे और वो लोग भी शामिल होंगे हिस्सा लेंगे कहीं ना कहीं पर आपको भी उनके आ, स्किल्स के बराबर मैच करना पड़ेगा तभी जाके आप उस जगह पे लेवल क्रॉस आप कर पाएंगे यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत अंडरस्टैंडिंग एनालाइज करने के बाद जैसे होता है ना कि आ, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं मैं इसलिए मैं एग्जांपल ले रही हूँ ताकि आप समझ पाओ एक पौराणिक जो है मंदिर है या मस्जिद है या कोई आर्किटेक्चरल कैसे मोन्यूमेंट्स है महल है उसके बारे में छानबीन करते करते उनको एक दिन में तो वो छानबीन बिल्कुल नहीं कर पाते हैं तो उनको जाना पड़ता है टाइम लेना पड़ता है बहुत सारे दरवाजे आपके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होंगे वो भी आपको मालूम चलेगा कि ये दरवाज़ा मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है बट फिर कौन सा दरवाज़ा आपके लिए ओपन भी होगा जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि आ, द यू कैन से दैट लग जो मेन जो मतलब द मेन यू कैन से फोकस जो होते हैं जिस वजह से हमने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया होता है कभी कभी हम उससे डाइवर्ट हो जाते हैं हमारे लक्ष्य से हम डाइवर्ट हो जाते हैं लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट टेन डेज आपने जो उम्मीद खो दिया था कि आपने ना ये कुछ आप बहुत ज़्यादा ही डिजपॉइंट हुए थे किसी के बिहेवियर से या हो सकता है किसी ने आपको इंसल्ट किया होगा या किसी ने आपको कुछ ओवर प्रॉमिस किया था बट अंडर डिलीवर हुआ था वो चीज़ आपको मिला कुछ आपने मांगा था कुछ और प्रोडक्ट प्रोडक्ट और आपको मिल रहा है कुछ और प्रोडक्ट हो सकता है कि आपने ऑर्डर दिया था कुछ अच्छा इक्विपमेंट्स का या कुछ अच्छा सामान का ये तो बहुत सारे लोगों के साथ मैच हो गए बट यू रिसीव्ड अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट और जब आप उसको रिटर्न करने के लिए गए तो रिटर्न का विंडो डेफिनेटली आपके लिए क्लोज ही था ये जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल लिया है तो यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे लोग आपको कुछ मतलब बोल दिया अरे ये ले लो ये बहुत अच्छा है ठीक है बाद में आपको पश्चाताप हुआ क्योंकि वो बिल्कुल सही थे ही नहीं सारे डिफेक्टिव थे सारे उसमें फ्लॉज थे तो यू हैड टू सफर नाउ देर विल बी अ डेफिनेटली होप विद इन द नेक्स्ट टेन डेज की कुछ ना कुछ उसका समाधान जो है वो मिलके रहेगा आप में एंड जो लोग आपको ऑस्ट्रोसाइज किए थे है ग्रुप से निकालने की कोशिश किए थे आपको अकेला फील हुआ आपको लगा देखो आप जहाँ पे सोफा में बैठे हो ना उसके नीचे क्या है आप देखो यहाँ पे बहुत बड़ा एक पाइथन है यहाँ पे भी कुछ क्रोकोडाइल जैसा क्रीचर है सो यू हैड बिन डीलिंग विथ लाइक दिस टाइप ऑफ रेप्टाइल्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बहुत टाइम से आप डील कर रहे हैं लेकिन आप एक सेफ़ एंड कंफर्टेबल पोजीशन में पहुँचेंगे मैंने आपको ये भी कहा कि आप आप नहीं जानते थे कि आपके जो जूनियर्स है या आपके आसपास के लोग उस तरह से हैं सो विल गेट कनेक्टेड विद गुड ग्रुप ऑफ पीपल पीपल विल अंडरस्टैंड यू एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलियेशन हो सकता है अ न्यू फ्रेश चैप्टर फ्रॉम अ टॉक्सिक रिलेशनशिप टू अ ग्रेट आपके पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट स्मार्ट हो सकते हैं बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल हो सकते हैं बहुत अच्छे हो, मतलब यू कैन से दे वेरी गुड इन यू कैन से मेकिंग सर्टेन प्लान्स, दे वेरी मच यू कैन से गुड इन अर्निंग मनी ये भी हो सकता है अगर आप रिश्ते की बात देख रहे हैं तो अच्छा अभी हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ द डाइसिस कि क्या होने वाला है विद इन द नेक्स्ट टेन डेज ओके सो लेट मी सी

अच्छे कुछ सॉलिड रिलेशनशिप्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं यहाँ पे आपकी प्रोमोशन प्रॉस्पेक्ट्स को लेके या हाई रैंक ऑफिशियल से आप मीट कर सकते हैं मीटिंग कुछ फिक्स हो सकता है यहाँ पे ग्रुप डिस्कशंस या ग्रुप मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंस आप अटेंड कर सकते हैं कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसा सेफ्टी प्लान uh, या हो सकता है लाइफ इंश्योरेंस कवरेज आप ले लो ताकि आप अपना भविष्य को भी सेफ कर पाओ इवन आप आपके फैमिली का भी प्लान हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप कोई एडवेंचरस प्रोग्राम में इन्वॉल्व होंगे लाइक लाइक एनी टाइप ऑफ यू कैन से दैट एक्टिविटीज़ दैट नीड्स फिजिकल एनर्जी वो भी मुझे दिख रहा है एंड योर हेल्थ विल बी ऑल गुड स्ट्रेस लेवल के वजह से ऐसा हो रहा था पर आपको मैं इतना तो कह सकती हूँ कि आप अपने मन मर्जी के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे So this is all about today's reading. I hope you like it and if you like please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and